हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो यार, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हम लोग जो है पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। आफ्टर दैट एक एक करके इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो बातें हैं, हम सीखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को गाइज। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये नंबर्स जो है, ये नंबर के लिस्ट आपको कंसिडर करने हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानना है, है ना। यहीं से हमें फीलिंग आ जाएगी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, सो ये वाला फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर का लिस्ट। अच्छा, इससे पहले कुछ ये बातें जो लिखी हुई है इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ओके, यानी कि ये जितने भी लिस्ट में नंबर है ना, नंबर यानी कि ये वाला लिस्ट हो गया, ये लिस्ट, ये लिस्ट, ये लिस्ट, ये लिस्ट, तो इन लिस्ट में क्या है गाइज, ये सारे के सारे नंबर है, ये रहा ये नंबर, ये सभी के सभी, है ना। तो इन नंबर्स को गाइज हम टर्म कहते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ओके ओके, ये वाला भी क्या है, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म। इसके अलावा इसमें जितने भी नंबर आएंगे उनको भी आप टर्म ही कहेंगे। ओके, इसके अलावा जितने भी इसमें नंबर आएंगे उनको भी आप टर्म बुलाएंगे। ओके गाइस, सो आई होप आपको टर्म क्या है ये तो समझ में आ गया। ओके, अब देखिए गाइस, एपी क्या होता है, इसके लिए हमने जो नंबर का लिस्ट लिया है इसको हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट जो लिस्ट है, फर्स्ट जो लिस्ट है ये नेचुरल नंबर है गाइस। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, सिंपल नेचुरल नंबर है। सेकेंड वाला जो लिस्ट है गाइस, देखिए 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25। अब इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस 10 में क्या किया गया है, 5 को ऐड किया गया है तो 15 आ गया है, है ना। और इस 15 में गाइस 5 को ऐड किया गया है तो 20 आ गया है, और इस 20 में 5 को ऐड किया गया है तो 25 आ गया है। अब इसी पैटर्न को लेकर के अगर आप नेक्स्ट नंबर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा यार, 25 में 5 ऐड कर दो तो 30 आ जाएगा ना, 30 आ जाएगा, और 30 में 5 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना। ओके, सो यहाँ पे जो पैटर्न है वो हम क्या कर रहे हैं, हम 5 को ऐड कर रहे हैं गाइज, 5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, इस वाले पैटर्न, इस वाले नंबर को देखो, लिस्ट को देखो, 100, 70, 40, 10, 100, 70, 40, 10, कोई पैटर्न नज़र आया आपको? बिल्कुल पैटर्न आपको नज़र आया होगा गाइज। पैटर्न क्या है, तो आप 100 में से 30 को माइनस कर दीजिए, क्या 100 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 70 मिलेगा, और 70 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो 40 मिलेगा, 40 में से 30 को माइनस कर दीजिए 10 मिलेगा। तो यार अगला नंबर लिख सकते हो ना आप, 10 में से 30 को माइनस करो तो कितना बच जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा ना। तो इस पैटर्न को फॉलो करके अगर आप नेक्स्ट नंबर लिख पाओगे, इस पैटर्न को फॉलो करके आप नेक्स्ट नंबर लिख पाओगे, आसान है। ओके, अब आप इस वाले लिस्ट को देखिए, 3, 3, 3, 3, 3 है, सिर्फ 3 है गाइज। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पैटर्न को नोटिस करेंगे तो क्या है, अगर आप 3 में 0 को ऐड करते हैं तो भाई 3 आता है, और 0 को माइनस भी करते हैं 3 में से तो भी 3 आता है। तो पैटर्न यही है यहाँ पे। ओके, अब ये लास्ट वाला लिस्ट को देखो, इसमें क्या है, -1.0। अब -1.0 फिर सेकेंड नंबर क्या है, -1.5, थर्ड क्या है, -2.0, फोर्थ क्या है, -2.5। पैटर्न आपको नज़र आना चाहिए, पैटर्न क्या है गाइस। सो पैटर्न यहाँ पे ये है कि अगर आप -1.5 में -0.5 को ऐड कर देते हो, है ना, -0.5 को ऐड कर देते हो तो क्या मिलेगा, -1.5 मिल जाएगा गाइज, बिल्कुल मिलेगा। इसी तरह से -1.5 में अगर आप फिर से -0.5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -2.0 मिल जाएगा। और इसी तरह से -2.0 में अगर आप -0.5 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस
-2.5। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके अगर आपसे बोला जाता है कि आप नेक्स्ट नंबर लिखिए तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो -2.5 में अगर आप ऐड करते हैं -0.5 तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा -3.0। इट्स इजी, ओके गाइज। सो यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको एक पैटर्न को नोटिस करना है गाइज, आपको क्या करना है, एक पैटर्न को नोटिस करना है। और वो पैटर्न क्या है, तो हम हर एक नंबर में, हर एक पिछले नंबर में हम क्या कर रहे हैं, एक एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं अगले नंबर को रिसीव करने के लिए, है ना, अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, आप समझ पाए। देखिए, हर एक नंबर में, पिछले नंबर में अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो गाइज ऐसा ही कुछ होता है एपी हमारा, क्या होता है, ऐसा ही कुछ एपी होता है। आपको कोई नंबर गिवन रहेगा, लेट्स सपोज आपको ये नंबर 9 गिवन है स्टार्टिंग का, हमें नहीं मालूम 9 कैसे आया, 9 गिवन है। अब इसमें अगर आप बार बार 2 को ऐड करते हैं, दैट मीन्स अगर आप 9 में 2 ऐड कर देते हैं 11, 11 में 2 ऐड कर देते हैं 13, और 13 में 2 ऐड कर देते हैं 15, और इस तरह से करते चले जाइए, तो ये जो है लिस्ट ऑफ नंबर आने वाला है या आ रहा है, इस लिस्ट ऑफ नंबर को आप कहेंगे कि ये एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, सो एपी आपको क्लियर हुआ है यहाँ से, इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं गाइस, डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी नजर आ रहा है, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है गाइस, ये लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हर एक टर्म ऑब्टेन किया जा सकता है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर को ऐड करके। ओके, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये 30 को तो आपने क्या किया है, माइनस किया है। यार बिल्कुल, अगर मैं इसमें -30 को ऐड करता हूँ ना 100 में मैं ऐड करता हूँ -30 को, तो क्या मिलेगा आपको, 70 ही मिलेगा ना, आपको 70 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हर एक टर्म को आप ऑब्टेन कर सकते हैं क्या करके, एक फिक्स नंबर को ऐड करके। कहाँ पे ऐड करके, टू द प्रीसीडिंग टर्म, कौन से, पिछले वाले टर्म में आप फिक्स नंबर को ऐड करके आप उससे अगला वाला नंबर जो है गाइस ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कहाँ से आया हमें थोड़ा ना मालूम, जैसे कि यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, लिखा है 10, हमने लिख लिया। अब इसमें ये 10 कैसे आ रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ 10 के बाद आगे के जो जो नंबर आ रहे हैं हमें मालूम है कि भाई 10 के बाद आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं इनमें हम क्या कर रहे हैं, 5 को ऐड करे जा रहे हैं। क्लियर है बात। उसी तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे 1 कैसे है हमें नहीं मालूम, लेकिन अब जब एपी आप पढ़ लिए हैं, अब आपको एपी के बारे में नॉलेज हो गया, तो आप ये भी बता सकते हैं, यार देखो ये एपी में है तो इससे पिछला टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा ना, 0 रहा होगा और होगा भी 0। ओके, सो यहाँ पे यही बात है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ओके, तो आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये सारे के सारे जो नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर लिखे हैं गाइज मैंने, ये सभी एपी में हैं। आप जो है नेक्स्ट ईयर जाएंगे क्लास 11th में, अगर आपके पास मैथ होता है तो वहाँ पे सीरीज एंड सीक्वेंसेस नाम का चैप्टर है, वहाँ पे ये बातें आपको फिर से सिखाई जाएंगी, फिर से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें कई तरह के सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और गाइज ये एपी भी एक तरह का सिक्वेंस ही होता है। ओके, तो आप एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। ओके, फिलहाल में यहाँ पे हमें एपी पे फोकस बनाए रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब गाइज ये जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे थे ना, वही फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं गाइज, उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है गाइस, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी। और गाइस इसको हम डिनोट करेंगे डी से,
पूरे चैप्टर में इसको हम डी से डिनोट कर रहे होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक एपी लिखता हूँ गाइस। ले सपोज कि मैंने नंबर लिखा एक 5। ओके, इसमें मैं 3 ऐड करता हूँ। ओके, सो 3 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 8। इसमें फिर से 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 11। फिर से 3 ऐड करेंगे 14। फिर से 3 ऐड करो 17 एंड सो ऑन। तो ये क्या लिख दिया मैंने गाइज, ये एक एपी लिख दिया, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया मैंने, है ना। इसमें हर एक टर्म में, हर एक पिछले टर्म में मैंने कौन सा फिक्स नंबर ऐड किया, तो 3 ऐड किया ना, तो यहाँ पे जो डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी जो है हमारा 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया। एक और ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है -20, -23, -26, -29 एंड सो ऑन। ओके, तो ये वाला भी नंबर जो है क्या किया जा रहा है, ये एक एपी में है गाइस। क्या है, एपी में है। आपको मालूम होगा कि ये इंक्रीजिंग फॉर्म है, ये नंबर का इंक्रीजिंग फॉर्म है, है ना। देखो 20 -20 में अगर आप ऐड करोगे -3 तो क्या आ जाएगा -23 आ जाएगा। अरे भाई -20 में ऐड करोगे -3 तो क्या आ जाएगा -23 आ जाएगा कि नहीं, है ना। और -23 में फिर से ऐड करो -3 को तो -26, और -26 में फिर से ऐड करो किसको -3 को तो क्या जाएगा -29। और इसी पैटर्न को फॉलो करके आप नेक्स्ट नंबर को लिख सकते हो गाइज। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का एग्जांपल है, इसमें डी क्या है, तो इसमें डी है -3। डी क्या है, डी है -3। ओके, सो गाइज ये है एपी। आई होप आपको एपी अभी क्लियर हुआ होगा, थोड़ा और भी आप देखते जाइए वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल ले लिया है मैंने, अभी एग्जांपल कुछ दिया मैंने, और यहाँ पे और भी एग्जांपल ले लिया, मोर एग्जांपल ऑफ एपी, एपी का और भी ज़्यादा एग्जांपल, 147, 148, 149 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि आगे जो है बीच में और भी नंबर हैं। कहाँ तक ये गया है, एंडिंग हुआ है 157 पे। कहाँ पे एंड है गाइस, 157 पे। यहाँ तो यहाँ पे इसका एंडिंग हो चुका है ना। पिछले वाले में आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी एंडिंग मैंने नहीं किया था, ये चलते जा रहा था, है ना। इसमें भी ये चलते जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जो है इसका एंडिंग हो गया गाइस, है ना, एंडिंग हो गया। दैट मीन्स लास्ट का टर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे D क्या है गाइस, तो दिख रहा है 147 में 1 ऐड कर दो तो 148, इसमें 1 ऐड कर दो तो 149। तो यहाँ पे D क्या हो जाएगा गाइस, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 को हम बार बार इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से ये क्या है, -1, -3.1, -3.0, -2.9, -2.8 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने डबल डबल बार लिख दिया है, आप लोग ज़रा इसमें कोऑपरेट कर लेंगे। ओके, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो गाइस आप देखेंगे तो इस यहाँ पे क्या ऐड किया जा रहा है, तो देखिए -3.1 में अगर आप 0.1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, -3.0 मिलेगा या नहीं मिलेगा। -0.1 को अगर आप ऐड करते हैं तो -3.0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही है, अब इस -3.0 में आप फिर से ऐड कर दो क्या 0.1, तो आपको क्या मिलेगा, -2.9 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है। यानी कि यहाँ पे डी क्या है, तो डी है गाइस आपका 0.1 जो कि ऐड किया जा रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं। और गाइस अगर आप इस नंबर में देखते हैं, इस एपी में, तो -10, -20, -30, -40 एंड सो ऑन। इस डॉट 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 का मतलब होता है कि ये चलता जाएगा, एंडिंग कहीं भी नहीं है इसका। ओके, तो गाइज -40 है, -40 के बाद क्या आ जाएगा, तो पैटर्न मालूम चल गया, -50, -60 एंड ऐसे तो चलता जा रहा है। तो यहाँ पे डी क्या आ गया गाइज, तो आप देख पा रहे हैं -10 में अगर आप ऐड करते हैं -10 को तो आपको क्या मिलेगा, -20 मिल जाएगा। दैट्स सिंपल। सो यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, -10। यहाँ पे भी देखो -10 ही होगा, यहाँ पे भी देखो -10 ही होगा, है ना। तो सभी में -10 हमारा डी आ जाएगा।
आई होप आपको इतनी बातें तो गाइज क्लियर हो ही गई होंगी। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है गाइज जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का एक जर्नल फॉर्म होता है गाइज, है ना, एपी का एक जर्नल फॉर्म होता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके तो इसका जर्नल फॉर्म है गाइज, देखिए ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फोर डी एंड यू करके सो ऑन। ओके अब देखिए एक एपी लिखते हैं, जरा एक एपी लिखिए। चलिए एपी मैंने लिखा, लेट सपोज 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन, ये एक एपी लिख दिया गाइज। अब यहाँ पे देखिए ये ए हमारा क्या है, तो ए जो है वो 7 है, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए 7 हो गया, तो 10 के बारे में बात करें जरा। 10 यहाँ पे ए प्लस डी बोला जा रहा है ना, डी क्या है, डी आपको मालूम होना चाहिए, डी कितना आ गया, डी या 3 है, है ना, क्योंकि 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे 16, तो डी क्या है 3 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेकेंड जो टर्म है वो ए प्लस डी है, यानी कि ए कितना है 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 10 ही है। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म हमारा क्या है 13 है। अब 13 ए प्लस टू डी, तो ए कितना है 7 प्लस 2 इंटू डी कितना है 3, कैलकुलेट करके देखो 13 ही आएगा, है ना। उसी तरह 16 की बात करें तो देखो 16 हमारा कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म देखो ए प्लस थ्री डी, तो ए कितना है 7 प्लस 3 इंटू डी कितना है 3। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 7 प्लस 3 इंटू 3 9, कितना हो गया 16 हो गया कि नहीं हो गया। ओके तो यहाँ पे ये जर्नल फॉर्म है, एपी का क्या है जर्नल फॉर्म है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी ए प्लस सिक्स डी ऐसे चलता जाएगा, ये जर्नल फॉर्म हो जाएगा एपी का। ओके ओके गाइज सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है फाइनाइट एपी, क्या है फाइनाइट एपी, बहुत सिंपल है यार। फाइनाइट एपी के लिए तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया है, एपी विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट एपी, है ना। तो ऐसा एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं गाइज फाइनाइट होते हैं। ओके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए 50 है 100 150 200 300। ओके यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 200 है, डी हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए था 250। ओके ये 250 एंड सो ऑन करके 750। ओके 750 यहाँ पे देखिए, इसमें 50 में आप 50 ऐड करेंगे 100, 100 में 50 ऐड करेंगे 150, 150 में 50 ऐड करेंगे 200, 200 में 50 ऐड करेंगे 250 हो जाएगा। ओके ओके सो यहाँ पे यहाँ लास्ट टर्म है गाइस, यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो इसमें जितने भी टर्म हैं इसमें लास्ट टर्म आ रहा है। ओके तो कुछ और भी डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि नंबर ऑफ़ टर्म्स आर पॉसिबल टू फाइंड, जितने भी फाइनाइट एपी होंगे इसके नंबर ऑफ़ टर्म्स को आप निकाल पाएंगे, है ना, पॉसिबल होगा फाइंड करना। और दूसरा और भी एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखा है गाइज, और एन एपी विच हैज़ लास्ट टर्म, और ऐसा एपी जिसके लास्ट टर्म होते हैं, तो आप ये वाला डेफिनेशन से समझ पा रहे हो या फिर ये वाला डेफिनेशन से समझ पा रहे हो या फिर आप इस डेफिनेशन से समझ पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, सिंपल सा बात है ये। ओके लास्ट टर्म इसमें भी है, इसमें भी लास्ट टर्म है, अगर लास्ट टर्म है तो इसके नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करना पॉसिबल है, हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। ओके तो ये होता है गाइज फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, या फिर उसमें लास्ट टर्म होता है, या फिर इसके नंबर ऑफ टर्म को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी बहुत सिंपल है, फाइनाइट का जस्ट उल्टा है इनफाइनाइट एपी गाइज। इनफाइनाइट एपी में क्या हो जाएगा, सो एपी विच डजंट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट एपी। सो ऐसा एपी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं होते हैं, दैट मीन्स इसमें लास्ट टर्म नहीं होता है, लास्ट टर्म कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ओके तो यहाँ पे ऐसे एपी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन ये भी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हम पॉसिबल ही नहीं है फाइंड आउट करना। तीसरा क्या है, और डजन हैव लास्ट टर्म, और तीसरा हम बोल सकते हैं कि ऐसा एपी जिसके लास्ट टर्म ही नहीं होता है।
ओके, ऐसा है पी जिसका लास्ट टर्म ही नहीं होता है। ये कुछ एग्जांपल है, इसमें आप देख पा रहे हैं 6, 9, 12, 15, यहाँ पे अगर आपसे मैं डी निकालने के लिए बोलूँ तो आप डी बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि 3 है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 में 3 ऐड कर दीजिए, 9, 9 में 3 ऐड कर दीजिए, 12, 12 में 3 ऐड कर दीजिए, 15, 15 में 3 ऐड कर दीजिए, 18, तो आप बिल्कुल निकाल पाओगे। ओके, उसी तरह से इसमें देखिए 2.1, 2.0, 1.9, 1.8, तो यहाँ पे यार आपको D तो दिख ही गया होगा, D कितना है, तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए माइनस का 0.1, है ना। देखिए 2.1 में अगर आप ऐड करते हैं माइनस का 0.1 तो कितना हो जाएगा, आपको जो है ये मिलेगा ना 2.0 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2.0 आ गया, इसमें अगर आप फिर से ऐड करते हैं माइनस का 0.1 तो क्या मिलेगा, 1.9। अब इसमें फिर से आप ऐड कर दीजिए माइनस का 0.1 तो क्या मिलेगा, 1.8, है ना। तो D यहाँ पे कितना है, माइनस 0.1। इस वाले टर्म में देखिए 120, 180, 116, 114, तो यहाँ पे भी D आपको इजिली दिख रहा है कि D कितना है, 2 है। D कितना है, 2, माइनस 2 है गाइज, D माइनस 2 है। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म देखिए डॉट 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 करके है, चलते जा रहा है, मालूम नहीं कहाँ तक है, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ पे एंडिंग होगा इसका। ओके, तो ये जो है ना, इन तीनों एग्जांपल को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एपी है, इनफाइनाइट एपी है गाइस, कौन सा, इनफाइनाइट एपी। आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर हुई होंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस वाले में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया अभी, जैसे कि ये जर्नल फॉर्म है ना, तो जर्नल फॉर्म में ये जो ए है ये क्या होता है, तो गाइज ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या कहते हैं इसको, हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कई बार क्या होगा कि आपसे डी जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप डी तो अब इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए प्लस डी है, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए और ए प्लस डी, तो अगर आपको D फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए A प्लस डी में से आप माइनस कर दीजिए A को, तो क्या बचेगा, D बच जाएगा, है ना। या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दीजिए, देखिए A प्लस 2D में से अगर आप सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं क्या, A प्लस D को, तो क्या मिलेगा, A प्लस 2D माइनस A माइनस D, तो यहाँ से A और A कैंसिल आउट, 2D में से 1D चला गया, तो क्या बचा, D बच गया। या फिर आप एक काम कर दीजिए, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, मतलब क्या है कि A प्लस 3D में से आप माइनस कर दीजिए किसको, A प्लस 2D को, तो फिर से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, D ही मिलेगा, ये क्या मिलेगा, डी ही मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए ये जो ए है हमारा फर्स्ट टर्म, इसको ए वन मानते हैं, ये जो ए प्लस टू डी जो कि सेकेंड टर्म है इसको ए टू मानते हैं, ये हमारा क्या हो गया ए थ्री, ये हमारा क्या हो गया ए फोर, और ये हमारा क्या हो गया ए फाइव। मतलब क्या है गाइज कि ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये ए है गाइज, 9 नहीं है। ओके, अब डी निकालना है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन कर दीजिए, या फिर आप ए थ्री माइनस ए टू कर दीजिए, ए थ्री माइनस ए टू, या फिर आप ए फोर माइनस ए थ्री कर दीजिए, या फिर आप ए फाइव माइनस ए फोर कर दीजिए, डी कहीं से भी आ जाएगा गाइस, और हर जगह पे सेम निकलेगा, ये तो आपको अब मालूम होगा, हर जगह पे क्या आएगा, सेम ही आएगा, कहीं भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके गाइस, सो ये है हमारा डी निकालने का प्रोसीजर। कई बार बोला जाए, क्वेश्चन में भी बोलेंगे आपसे कि डी निकालिए या फिर चेक कीजिए, ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, मैं अभी करवाऊंगा भी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस, सो गाइस अब हम यहां से देखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इनमें से कौन सा लिस्ट एपी में है, इफ दे आर इन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, अगर ये एपी में है तो अगला जो है दो टर्म भी आपको लिखना है। तो यार जो भी एपी में होगा वहां पे अगर आप डी निकालेंगे ना, तो डी हर एक जगह पे कॉमन आएगा, एक ही जैसा, मतलब सेम डी निकलेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप डी निकालते हैं तो यहाँ डी क्या है, 6, यहाँ से अगर निकालते हैं तो यहाँ भी 6 आता है, यहाँ भी आपको क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, हर जगह पे सेम आ गया, हर जगह पे सेम आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे डी हमारा क्या है, 6 है, तो ये एपी में है।
एपी में है, तो इससे अगला नेक्स्ट अगला जो है दो टर्म, नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा, 22 के बाद इसमें 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 28, और 28 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 34, तो नेक्स्ट टू टर्म हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब इस वाले को देखिए, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 एंड सो ऑन, बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हर एक जगह पे आपको क्या करना है, डी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप माइनस थ्री पॉइंट, जब आप डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस थ्री पॉइंट टू में से माइनस कर दीजिए किसको, -1.2 को, तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका -3.2 + 1.2। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 माइनस में, ओके, -0.2। ओके, यहाँ पे तो आ रहा है -0.2। अब यहाँ पे निकाल कर देखिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ओके, तो 5.2 में से अगर आप -5.2 में से माइनस करते हैं -3.2 को, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए -5.2 -+3.2। अब यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, ये यहाँ पे फिर से -2.0 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी क्या है, सेम है, यहाँ पे भी क्या है, सेम है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, -7.2 में से माइनस कर दीजिए किसको, -5.2 को, तो -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2। अब ये कितना मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, -2.0 मिल गया। अब सब जगह पे यहाँ पे भी डी जो है यही आया, यहाँ पे भी ये आया, यहाँ पे भी ये आया, दैट मीन्स -1 इसमें, यहाँ पे डी सेम, यहाँ पे भी डी सेम, यहाँ पे भी डी सेम, सभी में कॉमन डी आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, एपी में है। इसका मतलब क्या है, ये एपी में है। अगर ये एपी में है गाइज, तो आप नेक्स्ट टू टर्म को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको -2.0 को ऐड ही तो करना है। तो इसमें जब -2.0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -9.2 मिल जाएगा, और इसमें आप फिर से -2.0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -11.2 मिल जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट दो टर्म हो गया, ओके, नेक्स्ट दो टर्म हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए गाइस, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है, -10 -4 -2, ये तो यार दिख ही रहा है यहाँ पे कि एपी में है, क्यों है, -10 में से देखो, -10 में से अगर आप 4 ऐड करते हो, -10 में 4 ऐड करो, -10 में अगर आप ऐड करोगे 4 तो -6 होगा, है ना, और -6 में अगर आप फिर से ऐड करोगे 4 तो कितना होगा, -2, और -2 में फिर से अगर आप ऐड करोगे 4 तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, देखो है कि नहीं, 2, -10 -6 -2 और फिर 2, और उसके बाद क्या होगा, इसमें अगर आप 4 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें 4 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो अगला दो टर्म भी लिख दिया और डी भी मालूम चल गया आपको, सिंपल है। इसी तरह से ये दो क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है, सिंपल है, आप करके देख सकते हो। ओके गाइस, सो ये था आपका आज के वीडियो में जो भी बताना था मुझे, जो कि एपी के बारे में एक्सप्लेन किया, एपी के टाइप्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। इन तीनों बातों को आपको अच्छे से जो है एक बार रिवीजन कर लेना है, आप जो है वीडियो को सही से देख, आई होप कि आपने वीडियो को सही से देखा होगा, आपको ये बातें समझ में आई होगी गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, ये nth नंबर टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसको कि ये क्या होता है। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।